पीटीआई का एहतजाज पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। सेनेटर इसहाक डार का एक्स पर पैगाम का एहतजाज उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान में एससीओ इजलास होना है। इस वक्त के चुनाव का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। एससीओ इजलास में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सबूताज करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पीटीआई का एहतजाज पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचा की कोशिश है। पाकिस्तान में एससीओ इजलास होना है। इस वक्त के चुनाव का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। एससीओ इजलास में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सबूताज करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पीटीआई का एहतजाज पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पाकिस्तान में एससीओ इजलास होना है। इस वक्त के चुनाव का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। एससीओ इजलास में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सबूताज करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पीटीआई का एहतजाज पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पाकिस्तान में एससीओ इजलास होना है। इस वक्त के चुनाव का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। एससीओ इजलास में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सबूताज करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पीटीआई का एहतजाज पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है।